अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पीएफ के लेक्चर नंबर 4 में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे, तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन, सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। अ स्टेटमेंट डेट इवेल्यूएट टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। मतलब कि एक ऐसे स्टेटमेंट समझने, कोई स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो कि इवेल्यूएट होनी है, इवेल्यूएट होने के बाद उसका कोई ना कोई आंसर आना है, ठीक है। कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जो इवेल्यूएट होगी, इवेल्यूएट होने के बाद उसका कोई ना कोई आंसर आना है, उसको हम एक्सप्रेशन कह देंगे। जैसे कि यहाँ पे इसने एग्जाम्पल्स में कहा है ए प्लस बी। बेसिकली ये ए और बी कोई लेटर नहीं है, ये लेटर आपस में ऐड नहीं हो रहे। ए और बी क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ए के अंदर फर्ज करें पड़ा हुआ है 5। ये ए एक वेरिएबल है, इसके अंदर 5 पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास एक बी वेरिएबल है और इसके अंदर कह लेंगे 7 पड़ा हुआ है। तो ए प्लस बी बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इन वेरिएबल की लोकेशंस के अंदर ये जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी बेसिकली, अब आपको समझ आ गई होगी कि ए प्लस बी क्या कर रहा है, वो ए और बी की वैल्यूज ऐड हो रही हैं। वो ऐड होगी तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, मतलब ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये इवेल्यूएट होगी, इवेल्यूएट होने के बाद कोई ना कोई हमें आंसर मिलेगा, तो इसलिए इसको हम एक्सप्रेशन कह देते हैं। इसके साथ ये भी, जैसे एम जो है वो डिवाइड हो रहा है एन के साथ, तो इसके साथ ये डिवाइड होने के बाद कोई ना कोई आंसर मिलेगा। ये बेसिकली कम्प्लीट, इस चीज़ को एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये जो रिजल्ट आएगा, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कोई ना कोई वेरिएबल, जैसे कि सी वेरिएबल है, इसके अंदर हम स्टोर करवा लेते हैं, ताकि हम इसको डिस्प्ले करें या फर्दर जो भी काम करना हो। और उसके साथ ये x इज इक्वल x प्लस 100, x में कुछ भी हो सकती है, पहले से वैल्यू पड़ी हुई और उसमें हम 100 को ऐड कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स थी एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स डेट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन ऑन डेटा। जो हमारा डेटा होता है उनके ऊपर कोई सर्टन ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि हमारे सी प्लस प्लस जो है वो डिफरेंट तरह के ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं, जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, और रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर, ये टाइप है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर। अब हम बारी बारी इन सबको डिस्कस करते हैं। यूनिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो सिर्फ एक, मतलब एक ही ऑपरेंड के ऊपर वर्किंग करेंगे। ऑपरेंड बेसिकली वेरिएबल, अ टाइप ऑफ ऑपरेटर डेट वर्क विद वन ऑपरेंड। जैसे कि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया था, उसके साथ ए की, ए हमारा वेरिएबल ए था, तो ए के साथ हमने क्या किया था, प्लस प्लस लिख दिया था। तो वो क्या कर रहा है, वो प्लस प्लस या इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो सिर्फ ए के साथ, एक ऑपरेंड के साथ वर्किंग कर रहा है, तो उसको यूनिटी कह देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसके साथ बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो दो ऑपरेंड के साथ वर्किंग करते हैं। जैसे कि प्लस का ऑपरेटर है वो ए प्लस बी, ए और बी टू ऑपरेंड्स हैं, और प्लस क्या कर रहा है, उनको ऐड कर रहा है। तो प्लस ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के साथ वर्किंग कर रहा है, बाकी ये जो जितने ऑपरेटर हैं प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का या मॉडुलस का, ये बाइनरी ऑपरेटर है। हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ठीक है। ये पांच तरह के डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, और यहाँ पे इनके ऑपरेट करके भी इन्होंने दिखाया हुआ ये टेबल में, कि ऐसे का ए प्लस बी, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, जब प्लस होगी तो 15 आएगा। तो सारी वैल्यूज यहाँ दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह यहाँ पे वर्किंग ऑफ डिवीजन ऑपरेटर, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है डिवीजन किस तरह होती है। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है, असाइनमेंट या कह लें असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या करता है, ये वैल्यू असाइन करता है किसी भी वेरिएबल को, ठीक है, या कहीं भी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे हम इसके सिंटैक्स देखते हैं, इस तरफ वेरिएबल लिखते हैं और दूसरी तरफ एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे कि ये 100 है, 100 हमने क्या किया, हमने ए में स्टोर किया, हमने ये चीज़ यहाँ पे जैसे कह रहे हैं लेफ्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यू, इस चीज़ का ख्याल रखना है। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 100 पहले लिख दें और 100
और इक्वल का साइन बाद में, 100 इज इक्वल टू ए, ये गलत है, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो तो 100 में कभी भी स्टोर नहीं हो सकता ना, ए की वैल्यू या ए जो है वो 100 में स्टोर नहीं हो सकता। 100 खुद क्या, एक वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो वो वैल्यू कहीं स्टोर हो सकती है, ना कि वेरिएबल किसी वैल्यू में जाके स्टोर हो जाए, तो ये गलत है। इस तरह लिखना है कि जो वैल्यू हमने स्टोर करवानी होती है वो राइट साइड पे, और जिसमें स्टोर होनी है वो लेफ्ट साइड पे। जैसे कि ए प्लस बी एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इवेल्यूएट होना है और इसका कोई ना कोई आंसर आना है, उस आंसर को किस में हमने स्टोर करवाया, सी वेरिएबल में असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो ये लेफ्ट एंड राइट वैल्यू में यही बात डिस्कस करता है। और हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं। ये क्या, बेसिकली जब हम एक या एक दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को एक जगह पे कंबाइन करके लिख देते हैं तो उसको कंपाउंड कह देते हैं। तो जैसे एन असाइनमेंट स्टेटमेंट डेट असाइन अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल इज नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, सॉरी मैं ऑपरेटर कह दिया था। तो ए एक असाइन कर दिया, बी असाइन 10, मतलब 10 की वैल्यू किसमें, ए और बी दोनों में स्टोर हो सकती है। मतलब हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक ही लाइन में अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जिनको वैल्यू सेम देनी है तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक्स इक्वल वाई इक्वल जी और इसमें 100, ठीक है। तो ये थे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, वेरिएबल और ओप। इसके साथ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एन प्लस इक्वल 10, ये बेसिकली वर्किंग क्या करेगा, ये करेगा कि n के अंदर जो वैल्यू है उसमें 10 का एडिशन, जैसे कि ये है ना n इज इक्वल टू n प्लस 10, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब हम नेक्स्ट कोडिंग करेंगे तब हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी जगह पे ये स्टेटमेंट आप लिखना शुरू कर देंगे, तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी मे भी ये भूले और कन्फ्यूजन करे तो एरर्स आएंगे, गलतियाँ आएंगी, और इन्हीं एरर्स और गलतियों से ही आप सीखेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, ठीक है, मतलब ये जो है ना डबल प्लस, ये क्या करता है, ये किसी भी ऑपरेंड में 1 का इंक्रीमेंट कर देता है। जैसे कि हमने ए के साथ प्लस प्लस लिखा था तो उसमें 1 में इंक्रीमेंट कर दिया। अब ये क्या है, ये दो तरह की है, प्रीफिक्स फॉर्म होती है या पोस्ट फिक्स फॉर्म होती है। प्रीफिक्स क्या होती है, प्रीफिक्स ये होती है कि वेरिएबल का नाम बाद में आता है, प्लस प्लस पहले आ जाता है। जैसे कि इन प्रीफिक्स द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल, जैसे कि ये वेरिएबल है और हमने प्लस प्लस क्या किया, पहले लिख दिया, द अबव लाइन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y बाय 1, ये क्या करेगा, ये एक का इंक्रीमेंट कर देगा। इसी तरह पोस्ट फिक्स जो है उसमें क्या करते हैं, सिर्फ जो वेरिएबल के इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल के नेम के बाद में लिखा जाता है। ये भी क्या करेगा, ये भी इंक्रीमेंट ही करेगा 1 का, किस में, y में, ठीक है। तो जब हम लूप पढ़ेंगे और लूप की कोडिंग करेंगे तब हम ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की जो फॉर्म है इनको हम ज़्यादा डीपली डिफाइन करेंगे। फिलहाल सिर्फ ये देखेंगे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स कौन सी होती है। अब डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, तो ये डिफरेंस हमने ऊपर देख ही लिया था कि कैसे होते हैं, कि प्रीफिक्स की पहले लिख देते हैं स्टेटमेंट, मतलब प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले आ जाता है और वेरिएबल बाद में आता है, और पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में आएगा और वेरिएबल पहले आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इनका डिफरेंस को हम देखते जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ए प्लस प्लस लिखें या प्लस प्लस ए लिखें, मतलब पोस्ट लिखें या प्री लिखें सिंगल एक एक्सप्रेशन में या सिंगल वेरिएबल के साथ, तो दोनों के रिजल्ट में फ़र्क नहीं मिलेगा हमें, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, दोनों में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जब हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू प्लस प्लस बी एंड ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, तो इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है, इन दोनों के रिजल्ट में फ़र्क है। कैसे, पहले ये देखते हैं ए इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, ये क्या करेगा, सबसे पहले करेगा इंक्रीमेंट करेगा बी की वैल्यू में। बी में फर्ज करो 5 पड़ा हुआ है, तो बी क्या करेगा, ये 6 करेगा और उसके बाद बी की वैल्यू ए में स्टोर करेगा। और इसी तरह अगर हम ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस करें तो बी में क्या पड़ा हुआ है, बी में 5 पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, पहले ये करेगा
बी को ए असाइन कर देगा तो बी में 5 आ जाएगा, और बाद में बी में इंक्रीमेंट करेगा। ये ऊपर वाली स्टेटमेंट जब चलेगी, ये वाली, तो क्या होगा, तो बी में 6 स्टोर होगा, लेकिन नीचे वाली जब चलेगी तब, सॉरी बी में नहीं, ए में असाइन, बी की वैल्यू ए को असाइन होनी है, तो ऊपर वाली जब चलेगी स्टेटमेंट तो ए को वैल्यू 6 असाइन होगी, जबकि नीचे वाली जब चलेगा ये कंडीशन चलेगी तो क्या होगा, तो ए को वैल्यू 5 होगी, 6 नहीं होगी, क्योंकि पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, बाद में उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो इस चीज़ को हमने डेफ पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैं इस सब को कमेंट आउट करके, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सॉरी इंट ए एक वेरिएबल ले लेते हैं और बी ले लेते हैं, बी के अंदर हम रख लेते हैं 5, ठीक है। ये रखने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले ए इज इक्वल टू प्लस प्लस बी लिखते हैं, बी, और सी आउट करवाते हैं ए और बी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे ए की वैल्यू हो देन वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू शो करवाते हैं, ठीक है। और सेम हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके हम क्या करते हैं, बी के मतलब पहले हमने प्री इंक्रीमेंट किया था, अब हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं। और सेम यही जो सी आउट के स्टेटमेंट है, सेम यही जो सी आउट के स्टेटमेंट है, इसको कॉपी करके हम इसके बाद में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको चला के मतलब कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, पहले तो कोई एरर वगैरह हो तो फिर वो दिखा देगा कि एरर है या नहीं। सॉरी, एक काम रह गया कि हम ना बी की वैल्यू ना दोबारा से यहाँ पे बी इज इक्वल टू 5 कर देते हैं, ताकि ऊपर जो इंक्रीमेंट होगा ना इस स्टेटमेंट के बाद जो इंक्रीमेंट होगा बी की वैल्यू में, वो यहाँ पे आके दोबारा से 5 उसको इनिशियलाइज हो जाएगा, ताकि इसमें जो डिफरेंस होगा वो आपको ठीक से पता चले। अगर मैं ये ख़त्म कर दूंगा तो क्या होगा, जो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा होने के बाद यहाँ पे आके दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, या यहाँ आपका वो ऊपर यहाँ से 6 हुआ और यहाँ पे 6 स्टोर होके हमें डिस्प्ले हो जाएगा, तो हमें ठीक से उसमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से बी में 5 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, कि बी में दोबारा से 5 आ जाए, और ए में यहाँ पे मैं ना 0 कर देता हूँ ताकि गार्बेज वैल्यू ख़त्म हो जाए, और यहाँ पे ए जो है ना उसको मैं अगेन 0 कर देता हूँ, ठीक है। ए को मैंने 0 कर दिया और बी को 5 कर दिया, ताकि दोबारा से जब ये चले तो ऊपर वाली जो वैल्यू यहाँ से साइन हुई है वो वाली ख़त्म हो जाए। अब मैं दोबारा से इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये कंपाइल हो चुका है कंप्लीट, इसमें एरर 0 और वार्निंग 0 है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, रन करके इसका रिज़ल्ट देखते हैं, या मुझे ना एक काम करना चाहिए, इसका रिज़ल्ट एंड एल कर देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो न्यू लाइन में शो हो। तो अब दोबारा से इसको कंपाइल कर लेते हैं, तो कंपाइल करके फिर इसको दोबारा से रन करके देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में जब रिज़ल्ट आएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये कंपाइल हो चुका है, अब रन करते हैं, तो फिर देखते हैं ए और बी की वैल्यू क्या क्या आती है। यहाँ पर देखें, जब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हुई उसमें ए की वैल्यू 6 है, ये देखें ए की वैल्यू 6 एंड वैल्यू ऑफ बी, बी की भी 6 है, लेकिन जब सेकेंड टाइम चली तो उसने क्या किया, उसने बी की वैल्यू पहले असाइन की है ए को, ए की वैल्यू 5 है, देन बी में इंक्रीमेंट हुआ है। अगर इसे ठीक से दिखाई नहीं, अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ, ए और ए की वैल्यू के बाद यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, ताकि जब स्पेस होगी तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे। तो मैं इसको अगेन कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो फिर देखिएगा ए की वैल्यू, फर्स्ट जो लाइन है ये वाली, अभी देखिए फर्स्ट लाइन जब चली तो बी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू भी 6 है, मतलब ये कि बी की वैल्यू सबसे पहले हमने 5 रखी थी, तो 5 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, बी में हो गया 6, उसके बाद क्या हुआ, 6 इनिशियलाइज सॉरी असाइन हो गया ए को, ए और बी की वैल्यू होगी दोनों सेम। अब जब नेक्स्ट जो दूसरी कंडीशन थी वो चली, तब क्या हुआ, बी में हमारे पास 5 पड़ा हुआ था, तो बी की वैल्यू 5 थी, तो पहले क्या होगी, बी की वैल्यू ए को असाइन होगी, तो जैसे यहाँ पे देखें ए की वैल्यू भी 5 है,
उसके बाद बी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा और फिर बी डिस्प्ले होगा जो कि बी की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो ये आपको प्री और पोस्ट कंडीशन में पता चल गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो यही प्री एंड पोस्ट कंडीशन थी। नेक्स्ट हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो इंक्रीमेंट करता है 1 का, डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 का डिक्रीमेंट करता है अपने ऑपरेंड में, ठीक है। तो अब और कुछ डिफरेंस नहीं, बस यही डिफरेंस है, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा, ये बस बता दिया। और इससे नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर प्रिसिडेंस है, कि प्रिसिडेंस मतलब कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले इवेल्यूएट होगा। जैसे मैथ में है सेम वही है कि पहले मल्टीप्लाई का, सॉरी ब्रैकेट होगी, फिर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा। तो आप ये प्रिसिडेंस जो है इनको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा कि ये सबसे पहले इसने ब्रैकेट्स का बताया, फिर प्रीफिक्स सॉरी इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, और फिर यूनरी ऑपरेटर जो है प्लस का है माइनस का है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई के बाद उसने ये जो मतलब एक सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, इस तरह से आपने प्रेसिडेंस याद करनी कि पहले ब्रैकेट्स जो होती हैं उनके प्रेसिडेंस सबसे हाई के, वो सबसे पहले वो इवेल्यूएट होंगी, फिर यूनरी ऑपरेटर, उसके बाद मल्टीप्लाई का, ठीक है। मल्टीप्लाई जो होगा या यूनरी ऑपरेटर जो होगा ना, वो इवेल्यूएट होने के बाद फिर मल्टीप्लाई का, और यहाँ डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड जब एक स्टेटमेंट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करोगे, कि लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेटर पहले होगा उसको पहले। जैसे कि ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अप्लाई करेंगे आप। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करोगे, फिर डिवाइड को सोल्व करोगे, मतलब 10 मल्टीप्लाई 24, देन जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करोगे 5 के साथ, और फिर माइनस वाला और फिर प्लस वाला, और इसी तरह माइनस का, और एंड पे क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर लिखा होता ए एक वेरिएबल है और इक्वल का साइन होता और ये सारा एक्सप्रेशन होता, तो आप इसको एवेल्यूएट सबसे पहले करते, और सारा एवेल्यूएट करने के बाद आंसर जो होता वो सबसे एंड पे यहाँ स्टोर करवाते। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो सबसे लो प्रिसिडेंस वाला है, और इसी तरह प्रिसिडेंस टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट प्लीसिट ये देखते हैं बाद में, पहले मैं देख लूँ कि हमारे जो लॉजिकल और बाकी ऑपरेटर हैं। चलें ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, तो इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी जो काम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।